सांवेर विधानसभा के अरंडिया गांव के रहने वाले घनश्याम सुरेन ने अपने बेटे लकी की शादी में अनोखी परंपरा शुरू की है, जहां उन्होंने वधु पक्ष से दहेज के रूप में 1 रुपए लिए हैं। सुरेन परिवार के इस कदम की सराहना मंत्री तुलसी सिलावट समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने की है। देखिए खास रिपोर्ट। अरंडिया के रहने वाले घनश्याम सुनेर ने अपने बेटे लकी की शादी रंगवासा की रहने वाली पूजा से की है, जहां सुनेर ने नई प्रथा शुरू करते हुए मात्र 1 रुपए दहेज लेकर बहू को अपने घर लाए। वहीं अब सुनेर के इस कदम की राजपूत समाज समेत शहर भर में सराहना हो रही है। युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि सामने वाले की स्थिति देखे और वो आपको उनकी मीटिंग वगैरह उससे बड़ी बात उसके लिए कुछ भी नहीं, और बस समाज में यही है कि बहुत खर्चीले हो गए हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन ने कहा कि इसका ना दहेज ना लेके शादी करें। आपका विचार है कि सभी को ये प्रथा बंद करनी चाहिए ताकि हर पिता अपनी बेटी को खुशी खुशी बिता सके। क्या उसमें देखो, एक लड़की को हम लाए हैं एक लक्ष्मी के रूप में घर पे, बस हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है, सबकी दौलत यही है, सबसे बड़ी दौलत ही यही है। ये जान को हमको पहले तो बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है इसको बंद करने के लिए इन्होंने सबसे पहला कदम उठाया है, और तंवर सुनेर परिवार में जो इलवान साहब हैं और हमारे बीजी साहब घनश्याम जी, इन्हों की जो एक पहल है, ये अगर समाज पूरा अगर इसको ये चले तो आने वाले दिनों में जो लड़कियां हैं, जो शिक्षित लड़कियां हैं, जो अच्छे घर जाने से वंचित होती है, उनके लिए कि नई राह निकल गई है। एक अनुकरणीय काम करता है तो बाकी में मैं कृतज्ञ हूँ इस परिवार का, तमर परिवार का और आपका, और सबसे ज़्यादा आप सबका, क्योंकि ये प्रेरणा धीरे धीरे इंदौर से बढ़कर पूरे मध्य प्रदेश में एक दिन कैलाशी पूरे देश में जाएगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि इस परिवार का ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं सारे लोग, और मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है, क्योंकि बहुत भी पवित्र काम करो, ये माँ भी बेटी है, बेटी भी बेटी है, बहन भी बेटी है, मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक अच्छा काम इस परिवार ने किया है, जब बेटी और माँ और बहन कोई पवित्र काम का संकल्प लेता है ना, वो पूरा होता है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी आस्था किसी पर टिकी है तो देश में वो हमारी मां शक्ति है, और मां शक्ति से ये अनुरोध करता हूँ कि बिना दहेज के अपनी बेटी लाडली समझकर उसका विवाह करना, वो ईश्वर भी आपके साथ होगा। बहुत बधाई दोनों, नया जीवन अपना प्रारंभ करने है। मैं उस ईश्वर से उस प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर इन बेटों और बेटियों को सारी खुशियाँ, इनके जो इनकी आरजू है, इनकी तमन्ना, वो पूरी करें। बहुत बहुत बधाई। वहीं सुनेर के इस कदम को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भी सराहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।